गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत धर्म ग्रंथ और पुराण जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिषद। इसके पहले हमने वेदों के बारे में जाना था कि कौन कौन से वेद हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसी क्रम में आइए जानते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। तो बच्चों, ये उपनिषद किनसे संबंधित है? तो यहाँ पर हमने जाना कि ये आर्यों से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे कि आर्य कहाँ से आए थे। तो अब आगे जानते हैं। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई। फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये उपनिषद जो लिखे गए हैं तो इनका लिखने का जो मूल आशय था वो ये था कि आर्यों के अंदर जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति थी सत्य को जानने की, ईश्वर को जानने की, तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि वास्तव में ईश्वर है कि नहीं है और उसको किस तरीके से पाया जा सकता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि बातें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता था। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। देखिए बच्चों, इसमें जो मूल बातें हैं उपनिषद में वो ये है कि इन्होंने जो जादू टोना या झाड़ फूंक, मंत्र इत्यादि की बातें चल रही थी, पाखंड की बातें चल रही थी, उस सब का उपनिषदों ने विरोध किया और ये कहा कि अगर आपको सच्चा ज्ञान नहीं है तो पूजा पाठ और इस कर्म कांड का कोई मतलब नहीं है। अर्थात सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जा सकता था। यही बातें हमें उपनिषद भी बताते हैं। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति, अर्थात हे यात्री इसलिए चलते रहो। ये ऐतरेय ब्राह्मण भी एक उपनिषद है। अर्थात इन उपनिषदों में यही प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें ज्ञान दो, हमें प्रकाश दो और हमें अच्छा मार्ग बताएं। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, यही सारी चीज़ें आपको उपनिषदों में देखने को मिलती हैं। और आगे हम जानते हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। इसमें क्या है? उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो
और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है, वास्तव में ये धरती क्या है, आकाश क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य का जीवन क्यों होता है आदि अगर आप बातें जानना चाहते हैं तो उसके लिए संयम की ज़रूरत है, आत्मपीड़न की ज़रूरत है और आत्मत्याग की ज़रूरत है। मतलब आपको बहुत सारे कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिनको करने में आपको तकलीफ होगी। आगे जानते हैं, इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया है। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जो आर्य थे ये हमेशा बहुत ही सहनशील रहे और दूसरों के विश्वासों और जीवन शैलियों का बराबर सम्मान किया, और इससे पता चलता है कि बहुत ही अनुभवी जाति थी और हमेशा ही सामंजस्य पर जोर देते रहे, झगड़े को इन्होंने हमेशा बचाने की कोशिश की। आगे, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसीलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। यानी जिस उद्देश्य से जातियों का निर्माण हुआ था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और जाति पाति लोगों की मुक्ति नहीं बल्कि लोगों का बंधन बन गई, और यह बंधन समाज को विखंडित करने लगी, समाज में एक द्वेष भावना बढ़ाने का काम करने लगी, और निश्चित रूप से इसमें जो दबी कुचली जातियां थीं उनको नुकसान सहना पड़ा और जो दूसरी जातियां थीं तो उनका शोषण का कार्य करने लगी। यही कहने का तात्पर्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि हमारे समाज का एक सबसे बड़ा दोष बनकर के उभर के आया था जाति व्यवस्था। आगे क्या कहते हैं, भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया, कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन पुस्तकें, भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। तो बच्चों, जानते हो हमारा जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें, हमको इसलिए नहीं मिली कि पहले वो ताड़पत्रों भोजपत्रों पर लिखी जाती थी और वो नष्ट हो गए, और इसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ साहित्य था वो विदेशी लुटेरे आकर के उसको जला गए, नष्ट कर गए। यदि उनमें से कुछ सहृदय यात्री भी आए थे, उन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया और अपने साथ ले गए और उनका अनुवाद उन्होंने अपनी भाषाओं में किया, इसीलिए चीनी और तिब्बती भाषा में भारतीय इतिहास हमें मिल जाता है। जो पुस्तकें खो गईं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य था, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में ही मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास से।
फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया। तो भौतिकवाद में तो समझते हो, देखिए दो वाद मुख्य तरह से होते हैं, मुख्य रूप से एक आध्यात्मवाद और एक भौतिकवाद। अध्यात्मवाद इस बात पर जोर देता है कि हमें अच्छे आचरण करने चाहिए और अपना ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अच्छे ज्ञान के द्वारा ही समाज में हम अच्छी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। लेकिन भौतिकवाद कहता है कि हमें संसाधन इकट्ठे करने चाहिए, जैसे रहने के, खाने के, घर है, अन्य दूसरी वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अच्छे अच्छे महल बना सकते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं, ये सब भौतिकवाद संबंधी विचारधाराएं हैं। और इसी में बहुत सारी मशीनों के आविष्कार इत्यादि आते हैं, है ना, इस दुनिया को जानने के बारे में बहुत सारे उपकरण आते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि आते हैं। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की ब्रेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों में जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है, न नरक है और न ही शरीर के बाद अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी इन चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। तो बच्चों, ये भौतिकवाद से संबंधित जितनी भी पुस्तकें थीं उनको उन लोगों ने नष्ट कर दिया जो पुरोहित थे या धर्म के पुराणपंथी लोग थे, जो ईश्वर इत्यादि पे विश्वास करते थे, परलोक पे विश्वास करते थे, उन्होंने नष्ट कर दिया। क्योंकि भौतिकवादियों ने जो विचार दिया था उसमें यही कहा था कि ये संसार ही सब कुछ है, धरती सब कुछ है और यहाँ पर पूजा पाठ का या स्वर्ग और नर्क का, अच्छे कर्म का, नैतिक नियमों का कोई मूल्य नहीं है। जो कुछ भी है इसी धरती पर है, पदार्थ है, उसी को आप उपभोग करिए और जैसा हो सके, जितना हो सके उतना अपने लिए अर्जित करिए। यानी एक तरीके से जैसे हम कहें कि वो जंगल राज्य से शेर अगर हिरण को खाता है तो ये नहीं सोचता कि मैं हिरण को खा लूँगा तो मुझे पाप लगेगा, उसे अपना पेट भरना होता है और हिरण को मार के खा जाता है। तो यही धारणा भौतिकवादियों की ही थी कि जो सशक्त है, शक्तिशाली है, अपने लिए संसाधन जुटाए, ताकि न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नर्क है, न कहीं ईश्वर है, न कहीं परमेश्वर है। तो इस धारणा को जो अन्य लोग थे जो ईश्वर इत्यादि विश्वास करते थे, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। तो बच्चों, ये तो था उपनिषद और उससे संबंधित कुछ अन्य बातें और भौतिकवाद। शेष बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।